नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे पाठ 19 आश्रम का अनुमानित व्यय, जो कि मोहनदास करमचंद गांधी जी का ही एक लिखा हुआ अंश है। शुरू करते हैं बच्चों। महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटकर अहमदाबाद में आश्रम की स्थापना की। वहां शुरू में 40 लोगों के रहने का अनुमान था, साबरमती आश्रम आपको पता होगा। गांधी जी ने स्वयं आश्रम के अनुमानित खर्च का विवरण लिखा और आवश्यक सामग्रियों की सूची बनाई। आश्रम में हर माह 10 अतिथियों के आने की संभावना थी। अतिथि मतलब मेहमान, उनमें से कुछ सब परिवार भी हो सकते थे। अतः गांधी जी ने आश्रम में 3 रसोई घर और 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल के मकान बनाने की आवश्यकता महसूस की। इसके अतिरिक्त 3,000 पुस्तकें रखने लायक पुस्तकालय और अलमारियों की जरूरत थी। खेती योग्य कम से कम 5 एकड़ भूमि की जरूरत थी जिस पर 30 लोग काम कर सकें। खेती और बढ़ईगिरी के लिए औजारों की भी जरूरत थी, जैसे कुदाल, फावड़े, खुरपे, 5 बड़े हथौड़े, 3 बसूले, 5 छोटी हथौड़ियां, 2 एरन, 3 बम, 10 छोटी बड़ी छेनियां, 4 रंदे, 1 सालनी, 4 केतियां, 4 छोटी बड़ी बेधनियां, 4 आरियां, 5 सनासियां, 20 रतल कीले, 1 मोंगरा मोची के औजार। तो आप समझ सकते हैं ये विभिन्न औजार हैं, कईयों के नाम मैंने भी शायद अभी सुने हैं। तो ये सब औजारों के नाम हैं। तो गांधी जी का अनुमान था कि इन सब चीजों पर कुल 5 रुपये खर्चा हुआ। शायद हैरानी होगी आपको सुनकर, इतनी चीजें 5 रुपये में, तो ये उस समय 5 बहुत थे। तो रसोई के आवश्यक सामान पर 150 रुपये खर्च होने की उम्मीद थी, ठीक है। सामान और मेहमानों को लाने के लिए बैलगाड़ी की जरूरत थी। औसतन 50 लोगों के भोजन पर वार्षिक खर्च 6,000 रुपये होने की संभावना थी। आज 6,000 में तो घर नहीं चलता 4 लोगों का। तो प्रमुख लोगों की इच्छा थी कि एक वर्ष तक यह प्रयोग अहमदाबाद में हो और सारा खर्च अहमदाबाद उठाए। तो गांधी जी की यह मांग भी थी कि यदि अहमदाबाद जमीन और मकान दे दे तो वे अन्य खर्च कहीं और से जुटा लेंगे, मतलब वहां का प्रशासन या लोग। लेकिन विचार बदल जाने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि एक वर्ष तक का खर्च अहमदाबाद को उठाना चाहिए। फिर भी यदि अहमदाबाद तैयार ना हो तो वे खाने के खर्च की व्यवस्था कर सकते थे, क्योंकि पैसा तो लगना ही था। तो गांधी जी लिखते हैं कि जल्दी में तैयार किए गए खर्च के अनुमान में संभव है कुछ चीजें छूट भी गई हों। तो यदि अहमदाबाद सारे खर्च उठाए तो विभिन्न मदों में खर्च इस प्रकार होंगे, मतलब कहाँ कहाँ कितना खर्च होगा। मकान और जमीन का किराया, ठीक है, पुस्तकों की अलमारी का खर्च, बढ़ई के औजार, मोची के औजार, औजार समझते ना आप, टूल्स, चौके का सामान मतलब रसोई का, एक बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी। तो एक वर्ष का खाने का खर्च 6,000 रुपये, जो उन्होंने मोटा मोटा हिसाब लगाया था। तो गांधी जी लोहार और राजमिस्त्री के औजारों की भी आवश्यकता महसूस करते हैं, परंतु उसका और शिक्षण संबंधी खर्च उन्होंने शामिल नहीं किया है। तो शिक्षण के सामान में 5-6 देशी हथकरघों की जरूरत होगी। तो बच्चों ये था पाठ पठन सारांश इस पाठ का। आप सोच रहे होंगे कहीं ना कहीं कि ऐसा पाठ पुस्तक में क्यों है, खर्चे खुर्चे वाला। तो जिंदगी में हमने भी कहीं ना कहीं खर्च करना है, पहले बजट बनाना होता है। तो ये एक ऐसी अनछुई सी चीज है जो किसी को नहीं पता होगी कि कैसे गांधी जी ने आश्रम को भी स्थापित करने के लिए खर्च जोड़ा होगा, ठीक है बच्चों। तो कोई शंका हो तो पूछ लेना। धन्यवाद।